हेलो दोस्तों, यह हमारी जिंदगी की हकीकत है। ठोकरे खा कर भी ना समझे तो वह राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा कर ही देते हैं। गलत कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना, जीवन में बुरे से बुरी परिस्थिति भी अवसर लेकर आती है, उस अवसर को पहचानना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और गरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने नई दुकान खोली, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचाइए, 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचाइए, और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर ही खिंचाइए। उस तस्वीर खिंचाने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा, मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, बहुत तस्वीरें खींची, पर किसी ने एक बार भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई, यानी कि जैसा वो खुद दिखता है, जैसा वो खुद है, वैसी तस्वीर कभी नहीं खिंचवाई। यानी इस दुनिया में कोई भी इंसान मौलिक नहीं है। जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को छोड़कर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता को, रूखेपन को त्याग कर देखिए, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंददायक हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी, फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल और दीवारों का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है। पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवारें अलग करने का। इंसान भी मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है, यह उसके संस्कार क्या कहते हैं, इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वो आप खुद बनेंगे। जिंदगी अगर चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर पर लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस और तिजोरी की तरफ मत देखना, बस अपना एक आंसू ही निकाल देना, देख लेना कि कितने लोग उसे पहुंचने के लिए आते हैं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाने भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की ज़रूरत होती है। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि उनमें से अगर एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आता। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में सबसे करीब आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज़ सुनाई देती है। 3 चीज़ों को कभी छोटा ना समझना, फर्ज, मर्ज और कर्ज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वह जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, दूसरे वह जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं, पर दोनों की ही पहचान बुरे वक्त में होती है। हमेशा ही प्रार्थना किया करो, परमात्मा जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया, जो कुछ आपने मुझे देकर वापस ले लिया, इन सब के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने मुझे दिया वह आपकी कृपा है। जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या देकर वापस ले लिया, उसमें मेरी भलाई है। एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।